हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फिर बैठा अल्लाह का जिक्र करता रहा, फिर सूरज निकल आया, फिर दो रकत नमाज पढ़ी, तो उसका सवाब एक हज और एक उमरे के बराबर होगा। हज़रत अनस फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि पूरा पूरा यानी कामिल एक हज और एक उमरे का सवाब मिलेगा। तिर्मिजी की रिवायत है 586 नंबर पर। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मलाइका तुम में से उस नमाजी के लिए उस वक्त तक यूं दुआ करते रहते हैं जब तक वो नमाज पढ़ने के बाद अपने मुसल्ले पर बैठा रहे, अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह इस पर रहम कर दे। बुखारी की 659 नंबर रिवायत है। और आप देखिए कि जिसको इस बात का शऊर नसीब हो जाए कि मेरे लिए फरिश्ते दुआएं करेंगे, वो मुसल्ले पर ज्यादा देर के लिए क्यों ना बैठे, जाए नमाज पर वो बैठेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है, आप ऐसे लोगों को नेक कामों का आदि किया करते थे। समाक बिन हरब कहते हैं कि मैंने सईदना जाबिर बिन समूरा से कहा कि क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते थे? उन्होंने कहा कि हाँ बहुत। फिर कहा कि आपकी आदत मुबारक थी कि अपनी नमाज की जगह बैठे रहते, सुबह के बाद जब तक के आफ्ताब निकल ना आता, फिर जब सूरज निकल आता तो उठ खड़े होते, और लोग दौरे जाहिलियत का जिक्र किया करते थे और हंसते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहते थे। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने असहाब के साथ कैसे ताल्लुकात थे। सुबह की नमाज के बाद अपनी जगह लोग भी बैठते थे, रसूलुल्लाह भी बैठ जाते थे, लेकिन पिछले दौर को याद करते थे कि पहले हमने किस किस्म के काम किए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दरमियान में बैठते थे। और कभी ऐसा होता था कि आप सिस्टम लोगों से कहते थे आज रात किसी ने ख्वाब देखा, फिर लोग अपना ख्वाब बयान करते, फिर आप सिस्टम ख्वाब की ताबीर दिया करते थे। सईदना अबू जर से रिवायत है कि आपने फरमाया, जब आदमी पर सुबह होती है तो उसके हर जोड़ पर एक सदका वाजिब होता है, फिर एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना सदका है, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सदका है, और एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहना सदका है, और अच्छी बात का हुक्म करना सदका है, और बुरी बात से रोकना सदका है, और चाश्त की दो रकत नमाज पढ़ लेना इन तमाम उमूर से किफायत कर जाता है।